तो कुछ और भी भक्त हमारे साथ हैं जो इस वक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इनसे जरा बात करते हैं। कैसा लग रहा है आप दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ अंदर से कि अंदर कैसा होगा नहीं होगा। बहुत सुंदर लग रहा है देखने बाहर से भी, अंदर से भी आई होप कि बहुत अच्छा होगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो दूर से लोग आ रहे हैं और वो भी बहुत खुश है। थैंक यू। देखिए दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप दर्शन करके आए, कैसा लग रहा है? अच्छा है मंदिर? बड़ा अच्छा, बढ़िया है, भव्य। हिंदी नहीं आता, कर्नाटक हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम। बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है, हिंदुओं की प्रतिष्ठा का सवाल है, हिंदुओं की प्रतिष्ठा जगी हुई है और हमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा है ये मंदिर बनवा के, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप? अच्छा दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है। गीत गा दीजिए। हाँ, सबको जय श्री राम। देखिए जय श्री राम, यहाँ पर पूरी अयोध्या जो है वो राममय होती हुई नजर आ रही है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और जरा समझेंगे। कहाँ से आई हैं आप? दर्शन करके। कहाँ से आई, कहाँ से? लला के दर्शन करके, मंदिर से। मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से आई, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा, अभी तो बनने का है पर वापस आने की जरूर इच्छा है। जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, 22 जनवरी को रामलीला विराजमान होंगे। कितनी खुशी है, और कभी लग रहा था कि इतना बड़ा इतना भव्य मंदिर बने? इम्पॉसिबल काम था जो हमने देखा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया, इट्स रियली नाइस, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। बहुत बढ़िया लगा राम मंदिर बन के, बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए किस तरह से बच्चों से लेकर बड़े तक जय श्री राम के रंग में अयोध्या जो है वो किस तरह से रंगी हुई नजर आ रही है, और जो तस्वीर धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप मंदिर के दर्शन करने आप लोग जा रही हैं, राम जी के लिए कोई भक्त कोई गाना कोई भजन सुना सकती है? नहीं बहन जी, नहीं। क्या सुना? दिल्ली से आया जी। कैसे? दिल्ली से, नजोगढ़ से। हाँ जी, दर्शन करने के लिए। बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छी है सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ भजन दो लाइनें राम जी की, लाए भजन का, राम का। आइए जज मोदी करा जयो श्री राम काना की वजह से हो पाया ही, लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ अनन्या बेदी, अयोध्या, इंडिया न्यूज़।
टू खत्म मेरे साथ। महिलाओं में उत्साह देखिए आप किस तरह से। जय श्री राम। जय श्री राम के यहाँ पर जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महिलाएं जो है साथ में जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप देख सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का यही कहना है असंभव था जिसे संभव करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किस तरह से यहाँ पर राम भजन गाती हुई ये महिलाएं नजर आ रही हैं। अभी आपने दर्शन किए नहीं, आप दर्शन करने को जा रहे हैं? कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रामलला जी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है लाली देवी और मैं दिल्ली से आई हूँ। मोदी ने बहुत अच्छा काम करवाया और भी करवाएगा। बोलो मोदी की जय। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा काम है। बहुत अब फिर आऊंगे हम। देखिए लोग यहाँ पर यही उम्मीद कर रहे हैं कि 22 के बाद एक बार फिर से जरूर आएंगे, क्योंकि राम जो इंतजार है जब भगवान टेंट से अपने महल में विराजमान होंगे उस दिन का सभी को इंतजार है। उत्साह जो है वो देखते नहीं बन रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो भजन के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि वो यहाँ पर ही रुक कर रह जाते हैं अंदर जाने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप बिल्कुल क्योंकि देखिए और अपने लगातार ये देखना भी कि हम कितना अच्छा और कितने राम धुन में राममय होते हुए यहाँ पर अयोध्या जो है वो नजर आ रही है। लेकिन एक बार जरा ये पूरी तस्वीर देख लीजिए आप। आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो दिन रात इसी तरह से हो रहा है। और यहीं से क्योंकि 300 मीटर जब आप आगे चलकर जाएंगे तो आप सीधे रामलला का भव्य मंदिर पाएंगे। ऊपर देखिए किस तरह से टीन शेड जो है वो लगवाया गया है ताकि बड़ी संख्या में भक्त अगर यहाँ से निकल के जाते हैं तो किसी तरह की चाहे गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो या बारिश हो रही हो तो परेशानी ना हो राम भक्तों को, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पत्थर घिसाई का काम जो है वो चल रहा है। कोशिश यही है कि 22 जनवरी से पहले पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य किया जा सकता है वो कराया जाए। और इसी तरह से ये मजदूर जो हैं वो दिन रात लगे हैं भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद से लगभग 1,00,000 भक्त जो हैं वो हर रोज इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए आप मेरे पीछे देखिए ऐसे जत्थे का जत्था जो है वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, दर्शन करने जा रही है। कितनी खुशी है अयोध्या देख के। राम हेलो। देखिए किस तरह से लगातार लोग यही कह रहे हैं बहुत खुश वो नजर आ रहे हैं। राममय अयोध्या नगरी जो है वो किस तरह से राममय होती हुई दिख रही है ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या से नहीं बल्कि दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, लगातार किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं।